हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पंजाबी गरम मसाला कैसे बनाया जाता है। तो चलिए यहाँ पे रेसिपीज बनाने के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 10 छोटी इलायची ले लिया है और बड़ी इलायची लगभग 5, लौंग लगभग 1 चम्मच, ये स्टार अनीस है जिसको मैंने तोड़ तोड़ के रखा है, 2 स्टार अनीस है ये। और यहाँ पर है दालचीनी लगभग 8 1 इंच का पीसेस है। यह है काली मिर्च जो 1 स्पून है और यह जावित्री जो 2 है। और बाजू में ही मैंने यहाँ पे रखा हुआ है जीरा लगभग 3 स्पून और धनिया लगभग 3 स्पून है। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवा चढ़ा दिया है और तवा के अंदर पहले जो बड़े बड़े मसाले हैं ना, मोटे मोटे, वही सब मैं ऐड करके पहले भूनूंगी, क्योंकि हर किसी का टाइमिंग अलग अलग होता है भूनने का। कोई जल्दी भून जाता है, कोई धीरे धीरे भूनता है। तो देखिए इसमें मैं थोड़ा बड़ा बड़ा मोटा मोटा जो मसाला होता है उसको पहले भून लूँगी, जिससे कि इन सब का टाइम एक ही जैसा हो। तो ये जावित्री मैं अलग करूँगी, नहीं तो जावित्री इस सब के साथ मैं अगर थोड़ा सा भून लूँगी तो वो जल्दी जल जाएगा और ये सब कुछ नहीं भूनेंगे। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए भून जाती हूँ, जब तक इसका मसाला का स्मेल ना निकले, थोड़ा भून जाए उस तरीके से मैं भून लूँगी। लगभग 2 से 4 मिनट लगता है बस। और जैसे ही ये पूरी तरह से भून जाता है, स्मेल आने लगते हैं, मैं इसको उतार लूँगी और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दे दूँगी। लगभग 4 से 5 मिनट के लिए ठंडा होना पड़ता है। तो चलिए ये तो मसाले हमारे तैयार हो गया है, इसमें अच्छा स्मेल भी आ रहे हैं, जिसको मैं अलग से रख लेती हूँ। और जो कुछ मसाले बाकी है वो मैं अभी थोड़ा सा और फ्राई कर लूँगी। जैसे कि ये 3 मसाले अभी बाकी है, जीरा और धनिया और जो जावित्री था वो मैं इसके साथ ही फ्राई कर लूँगी, क्योंकि ये जो जीरा और धनिया थोड़ा सा जल्दी भुन जाता है। तो आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा, जिससे कि मसाले एकदम पंजाबी बाहर के मसाले जो होते हैं ना, उसी तरीके के बनेंगे। मतलब आपको बाहर से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है बहुत सारे पैसे दे के। तो चलिए ये भुन चुका है और ये चटकने लगता है थोड़ा, जैसे ये भुन लेने लगता है ना, चिटकने लगता है, तो आपको समझ जाना कि हाँ ये हो चुका है करके। ये हो चुका है, देखिए ये मैंने लगभग 4 से 5 मिनट तक इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैं इसमें ग्राइंड करने के लिए डाल दूंगी। तो चलिए इस तरीके से मैं डाल देती हूँ। और गाइस, मैं आपके साथ बहुत सारा मसाले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आपको कौन से मसाले की रेसिपी चाहिए आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, तो मैं उस मसाले की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। देखिए ग्राइंड हो चुका है और अब मैं इसको इस तरीके से स्टोर करती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ये बनाने के लिए। तो एक जगह पे करने के बाद मैं कुछ इस तरीके कंटेनर में रख लूँगी। देखिए ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के कंटेनर है जो मैं ज़्यादातर मसाले बना के रखती हूँ। और इस तरीके से मसाले बनाने के बाद आप लगभग 6 से 8 महीने तक रख सकते हैं फ्रीज़र में स्टोर कर, और ये मसाले ख़राब भी नहीं होते। चलिए देखिए ये मेरा बन गया है मसाला। अब मैं इसके ऊपर, मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके की मसाले बनाती हूँ तो मसाले का कलर तो सेम होता है, तो मैं इस तरीके की लेबलिंग जो पेपर रहता है उसको लिख के रखती हूँ, जैसे पंजाबी गरम मसाला, और इसको सेलो टेप से इस तरीके से चिपका देती हूँ, जिससे कि मुझे पता करने में ईजी हो जाए कि कौन सा मसाला कौन से डिब्बे में है करके। तो जैसे बहुत सारे मसाले मैं इस तरीके से बना के स्टोर करती हूँ। तो चलिए, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर ली थी, लेकिन नहीं, मैंने आपसे मेरे ब्रेकफास्ट शेयर किया है और लंच भी मैंने बना दिया है, लेकिन मैंने आपसे शेयर नहीं किया है। लेकिन मैंने सुबह सुबह पंजाबी गरम मसाला बनाया है, जिसको मैंने शेयर किया है।
मुझे लगता है कि आप सब लोग मेरे घर के काम वगैरह ये सब कुछ बहुत ज़्यादा देख चुके हैं। मेनली मैं ही यही सब कुछ दिखाऊंगी तो आपको उतना ज़्यादा पसंद नहीं आएंगे। इस वजह से मैं मेरा कुछ और रूटीन भी होता है जो मैं कुछ आपसे शेयर नहीं कर पाती हूँ, तो मैं सोची क्यों ना भाई मैं वही शेयर कर दूँ। तो जो गरम मसाला है बहुत यमी बना है, उससे मैं आज सब्जी बनाई हूँ, बहुत यमी बनता है गाइस, ज़रूर घर पर ट्राई करना। और मेरा अभी तो घर का काम सब कुछ हो चुका है और मैं अभी जा रही थी नहाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना भाई अपना स्किन केयर जो रूटीन है वो मैं आपसे शेयर कर दूँ, तो मैं आ गई हूँ। अभी मैं स्क्रब करके आई हूँ, स्क्रब कर चुकी हूँ और अभी मैं मसाज करने वाली थी, तो मसाज का कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं आपसे शेयर करने वाली थी। ये मसाज का जो टेक्निक्स है इससे अपना स्किन ग्लो होता है, फेशियल लिफ्ट में हेल्प करता है और ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करता है। फेशियल जो मसाज होता है वो ट्रिक्स एंड टेक्निक के साथ करो तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। नॉर्मली आप जैसे करोगे उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है। फेशियल मसाज में सबसे पहले आपको ये याद रखना है, मसाज करने से पहले आपका हैंड्स और आपका जो फेस स्किन है वो अच्छी तरह से क्लीन हो, जो मैंने ऑलरेडी क्लीन करके आ गई हूँ और फिर स्क्रब करके भी आ गई। कभी भी आप याद रखिए, आप अगर एक दो दिन के अंदर स्क्रब नहीं किए हैं तो फेशियल मसाज से पहले एक बार स्क्रब कर लीजिए, जैसे कि जो डेड स्किन और डेड सेल्स हैं वो चले जाएंगे, फिर उसके बाद मसाज जो आप करेंगे उसका बहुत अच्छा गुड रिजल्ट आपको मिलेगा। मसाज करने के लिए मैं यहाँ पे द बॉडी केयर का मिक्स फ्रूट मसाज क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो आपके स्किन के हिसाब से जो भी दूसरा आपके पास मसाज क्रीम हो उसके हिसाब से आप मसाज कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल स्किन आपका है तो आप जो मॉइस्चराइज़र होता है उससे भी मसाज कर सकते हैं। तो मैं तो मेरी स्किन के हिसाब से द बॉडी केयर का मिक्स फ्रूट मसाज क्रीम से मसाज करूँगी। ये कुछ बेबी पिंक कलर के हैं कुछ ऐसे, तो मैं इसको ले लेती हूँ, इतना इतना काफ़ी है मेरे फेस के लिए। और आप फेस को थोड़ा सा पानी पानी रहने दीजिएगा, और मैं जस्ट अभी फेस वॉश करके आई हूँ, स्क्रब करके आई हूँ, उस हिसाब से थोड़ा सा मेरा जो फेस है गीला गीला ही है। तो मसाज क्रीम इस तरीके से लगाने के बाद मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी मसाज कुछ इस तरीके से, क्योंकि इससे हमारी जो डबल चिन है यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो थोड़ा सा हेल्दी लोग होते हैं उनको डबल चिन आ जाता है, तो उनको इस तरीके से मसाज करने से डबल चिन जो होता है वो कम हो जाता है, और यहाँ पे जो नेक से जो मार्क्स होता है वो भी थोड़ा सा मसाज की वजह से कम दिखने लगता है, ना तो उम्र के साथ साथ बढ़ने लग जाता। तो इस तरीके से लगभग मैं 1 मिनट तक मसाज कर लूँगी। और मसाज आपका बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हेवी नहीं होना चाहिए। नेक मसाज तो हो चुका है, इसके बाद मैं यहाँ पे जो लाफ लाइन होता है उसकी मसाज करूँगी। फेशियल मसाज में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो लाफ लाइन स्माइल करने पर या फिर हंसने पर यहाँ पे एक लाइन हो जाता है, उम्र के साथ साथ वो बढ़ने लगता है, तो उसी के लिए मैं मसाज करूँगी कुछ इस तरीके से, इस तरीके से लगभग ये 1 मिनट तक करना है आपको। इसके बाद मैं जो फेशियल रिंकल होता है कुछ इस तरीके से यहाँ पे, तो उसके लिए मसाज करूँगी, जैसे ये ऐसे जाके ऐसे ऐसे जाके ऐसे 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 ऊपर तक। आप जो भी फेशियल मसाज करेंगे नीचे से लेके ऊपर तक जाना है, जिससे कि फेशियल जो मसाज हम कर रहे उससे हमें हेल्प मिले फेशियल लिफ्ट के लिए। अब नीचे की तरफ करेंगे तो आपका स्किन पूरा झुक जाएंगे, तो इस हिसाब से मैं 1 मिनट तक इसको करूँगी, नीचे से यहाँ तक और ये ऐसे, नीचे से यहाँ तक और ऐसे, क्योंकि इस जगह पे रिंकल आ जाते हैं उम्र के हिसाब से। नेक्स्ट आँखों के नीचे रिंकल या फिर यहाँ पर रिंकल आने लगता है उम्र के साथ साथ थोड़ा जल्दी, क्योंकि यहाँ पर फैटी चीज़ जो रहता है वो नहीं होता है, तो उसके लिए ऐसे करना है और ये ऊपर के तरफ से, ऊपर के तरफ से भी ऐसे ऊपर की तरफ खींच लेना है।
ऐसे कुछ मैं लगभग 1 मिनट तक कर लूँगी। इसके बाद आता है आईब्रो, और आपने ये गौर किया होगा मैं नीचे की तरफ से थोड़ा थोड़ा करके मसाज करती हूँ, ऊपर की तरफ आ रही हूँ। मतलब मैं पहले नेक, फिर लव लाइन, फिर फेशियल रिंकल, फिर आईज, फिर आईब्रो, इसके बाद मैं करूँगी फोरहेड का। आईब्रो को कुछ इस तरीके से मसाज करना है आपको, और जब आप फेशियल मसाज करेंगे ना, उस टाइम पे आपको याद रखना है आपका नेल्स बड़ा ना हो। और उसके बाद आता है फोरहेड का मसाज, वो कुछ इस तरीके से आपको करना है। 2 फिंगर्स को ऐसे पकड़ना है, इस तरीके से ऊपर की तरफ करना है। कुछ 1 मिनट तक इसको ऐसे करना, और आखिर में फुल फेस मसाज जो होता है ऊपर की तरफ करना है, वो ऐसे कुछ इस तरीके से गले के नीचे से लेकर ऐसे ऊपर की तरफ, इस ये वाले हाथ से लेफ्ट से राइट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ। कुछ 1 मिनट तक ऐसे, जिससे कि जो भी स्किन आपका है नीचे की तरफ बिल्कुल ना यह हो, ऊपर की तरफ ही जाए। और फेशियल मसाज हमेशा ऐसे ही करना आप लोग याद रखिए। तो चलिए, मेरा तो मसाज हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, फिर मैं आपसे आके मिलती हूँ। चलिए, मैं आ गई हूँ चुटकी भर में। हाँ, आप लोगों के लिए तो चुटकी भर में ही है ना, लेकिन हमें कितना वक्त लगता है वो तो हमें पता है। बाहर से आवाज़ आ रहा है, गाड़ियाँ जा रहे, तो अवॉइड कीजिएगा। और बहुत लोग ये पूछेंगे कि मैंने जो मसाज क्रीम यूज़ किया है वो कौन सा है, वो तो मैंने आपको बता दिया है। उसका प्राइस कितना है, वो कितना है, मतलब वो डिटेल में एक बार आपको दे देती हूँ। ये द बॉडी केयर का मिक्स फ्रूट मसाज क्रीम है ये, और ये 100 ग्राम का है, ग्राम्स में आता है। इसका प्राइस 99 रुपीज़ है, लेकिन मुझे 10% डिस्काउंट में आया था, 90 रुपीज़ में आ गया था। तो बस इसका डिटेल मुझे यही देना था। ये बहुत अच्छा है, मेरी स्किन को बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर देता है। कभी भी आप स्क्रब या फिर मसाज क्रीम वगैरह यूज़ करो या फिर मास्क यूज़ करो, तो उसके बाद ना आप नॉर्मली फेस वॉश या थोड़ा सा वॉश कर लेना, साबुन वगैरह यूज़ मत करना फेस में, क्योंकि उसका जो गुडनेस है वो स्किन के अंदर से साबुन पूरी तरह से निकाल देता है। तो थोड़ा बहुत वॉश कर लेना फेस वॉश वगैरह, थोड़ा बहुत जस्ट 10 सेकेंड के लिए जस्ट रगड़ के बस धो लेना, उसके अलावा और नहीं करना है। और उसके बाद मेकअप बिल्कुल नहीं करना है, या फिर बोल सकते हो कि कुछ यूज़ नहीं करना है। सिर्फ फेस वॉश करके आने के बाद मैंने सिर्फ टोनर यूज़ किया है और कुछ नहीं यूज़ किया, अभी मेरे फेस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ टोनर यूज़ किया, थोड़ा सा लिप बाम लगाई क्योंकि लिप्स ड्राई हो जाएगा इस वजह से, और कुछ नहीं। और अभी मैं हेड बाथ करके नहा के आई, और आपको दिख रहा होगा मैं टावल बांधी हुई हूँ। तो आप कभी भी याद रखना, जब भी आप सर धो रहे हो तो टावल जो बांध रहे हो वो बहुत ज़्यादा हल्का होना चाहिए, या फिर टी शर्ट होता है ना, टी शर्ट को ही आप अंदर से लेके ऐसे ये कर सकते हो, बहुत अच्छे से ड्राई हो जाता है। और मैंने जो अभी टावल बांधा हुआ है ना, ये फुल्ली टोटली कॉटन का है, इसको ना बंगाली में गामछा बोलते हैं। इसे पूरी तरह से ड्राई हो जाता है, लगभग मैं 15 मिनट इसको ऐसे बांध के रखूँगी, पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा, फिर मैं खुले हवा में छोड़ दूँगी। तो बस आज का डिटेल यही मैं शेयर करना चाहती थी। और अभी मैं जाऊँगी खाना खाऊँगी, तब तक के लिए टावल रहेंगे, फिर उसके बाद मैं नॉर्मली बालकनी से 1-2 राउंड लगाऊँगी तो पूरी तरह से सूख जाएंगे, फिर मैं जाऊँगी रेस्ट लेने के लिए। तो गाइज, आज का ब्लॉग में ही फ्रेंड्स, मैं मिलूंगी आपको और एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। आज के लिए मेरा बग बग यहीं तक, मैं चलती हूँ, बाय बाय गाइज़।